फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का यूज करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और व्यू टैब में से मास्टर व्यूज ग्रुप में से हम स्लाइड मास्टर पर क्लिक कर देंगे। स्लाइड मास्टर पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं वो आ जाएंगी। सबसे फर्स्ट जो स्लाइड है उसे हम स्लाइड मास्टर कहते हैं और जो बाकी की उसके नीचे जो स्लाइड्स आ रही हैं उसे हम स्लाइड मास्टर के लेआउट्स कहते हैं। हम जो भी स्लाइड मास्टर में चेंजेस करते हैं वो उसके सभी लेआउट्स में जो है वो अप्लाई हो जाता है। अब हम अगर इस फर्स्ट स्लाइड में कुछ चेंजेस करते हैं तो ये बाकी उसके जितने भी लेआउट्स हैं उनके ऊपर जो है वो चेंज अप्लाई हो जाएगा। हम इसके लिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम बैकग्राउंड ग्रुप में से बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम फिल फॉर्मेट बैकग्राउंड का विंडो आएगा, इसमें से फिल में हम पिक्चर और टेक्सचर फिल पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर जो भी टेक्सचर इसका अप्लाई करेंगे वो आप देखेंगे कि सभी जितने भी उसके लेआउट्स हैं स्लाइड मास्टर के उन सभी पे वो टेक्सचर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो हमने चेंजेस स्लाइड मास्टर में किए यानी कि स्लाइड मास्टर वाली स्लाइड में किए वो सभी लेआउट्स में जो है वो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस जो है वो अप्लाई हो गए हैं। इस तरह से जो है हम स्लाइड मास्टर में चेंज कर सकते हैं और स्लाइड मास्टर जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन के एज अ बेस होता है। आप ये कह सकते हैं कि स्लाइड मास्टर जो है वो एज अ बैकग्राउंड काम करता है। अगर आप स्लाइड मास्टर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो जितने भी हमारे लेआउट्स होते हैं स्लाइड के उन सभी में वो चेंजेस जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप उस लेआउट पर जाएंगे। लाइक आप स्लाइड वन का लेआउट जो है वो चेंज करना चाहते हैं यानी कि फर्स्ट स्लाइड जो आपकी फर्स्ट लेआउट है इसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसी पर सिलेक्ट करेंगे यानी कि उसी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे और बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट का आपको जो है वो फर्स्ट लेआउट चाहिए। आप लाइक इस कलर का लेआउट लेना चाहते हैं आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये लेआउट जो है यानी कि ये बैकग्राउंड सिर्फ फर्स्ट वाले लेआउट पे ही अप्लाई हुआ है क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट करके इसका लेआउट जो है वो चेंज किया है। आप याद रखेंगे कि अगर हम स्लाइड मास्टर में कोई चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सभी लेआउट पे अप्लाई हो जाएगा और अगर आप किसी पर्टिकुलर लेआउट का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे और बैकग्राउंड स्टाइल की हेल्प से आप उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब आप यहां से इस पर क्लिक करके देखेंगे कि यहां पर आ रहा है कि ऑफिस थीम स्लाइड मास्टर यूज्ड बाय स्लाइड 1 to 4 यानी कि जो ये थीम है ये स्लाइड 1 to 4 पर अप्लाई हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे टाइटल स्लाइड लेआउट यूज बाय स्लाइड नंबर 1 यानी कि ये लेआउट जो है सिर्फ स्लाइड नंबर 1 ने ही यूज किया है और जो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट्स यूज्ड बाय ये जो है बाकी की स्लाइड्स ने यूज किया है। तो अब हम यहाँ से क्लोज मास्टर व्यूज पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्लाइड नंबर 1 ने जो है पर्टिकुलर बैकग्राउंड लिया है और बाकी की स्लाइड्स ने जो है स्लाइड मास्टर का लेआउट जो है वो ले लिया है। इस तरह से हम अगर स्लाइड मास्टर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सभी लेआउट्स पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब हम फिर से एक बार आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं। न्यू स्लाइड पर देखेंगे कि आप जो थीम आपने फर्स्ट लेआउट पे अप्लाई की थी वो आपका फर्स्ट यहाँ पर आपको सभी लेआउट्स जो है वो दिख रहे हैं। आप यहाँ से क्विकली जो है किसी भी लेआउट पर क्लिक करके उस टाइप का स्लाइड जो है वो अपने प्रेजेंटेशन में क्विकली उस लेआउट का स्टाइल यानी कि उस लेआउट की स्लाइड आप क्विकली अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्लाइड मास्टर की हेल्प से हम क्विकली लेआउट सेट करके उस टाइप का लेआउट अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम फिर से एक बार व्यू पर चलते हैं, व्यू टैब पर, और यहां से कर देते हैं स्लाइड मास्टर। अगर हम एक और स्लाइड मास्टर इंक्लूड करना चाहते हैं आप यहां से जाएंगे। आप देख रहे हैं कि अभी जो है हमारे पास एक ही स्लाइड मास्टर है। अगर आप एक और स्लाइड मास्टर यहां पर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहां जाएंगे और यहां पर आप जो है स्लाइड मास्टर कर देंगे। स्लाइड मास्टर करते ही अब हमारे पास सेकंड स्लाइड मास्टर जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। यहां से हम स्लाइड मास्टर पर क्लिक कर देंगे, व्यू। अब हम यहां पर एक और स्लाइड मास्टर इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम यहां राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमारे सामने आएगा इंसर्ट स्लाइड मास्टर, हम उस पर क्लिक करेंगे।
आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेकंड स्लाइड मास्टर है वो अब इंसर्ट हो गया है। अब आप इसका भी बैकग्राउंड और लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फिर से हम स्लाइड मास्टर पर जाएंगे, बैकग्राउंड ग्रुप में से बैकग्राउंड स्टाइल पर जाएंगे और यहां से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे और पिक्चर एंड टेक्स्ट फील्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसका भी टेक्सचर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक हम इस टाइप का टेक्सचर इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी लेआउट्स पे जो है स्लाइड मास्टर 2 का बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो अप्लाई हो गया है। इस तरह से हम लेआउट्स में चेंजेस कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर में जो भी हम चेंजेस करेंगे वो चेंजेस जो है बाकी की स्लाइड्स पे भी, यानी कि बाकी की लेआउट्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसमें से भी अगर आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप बैकग्राउंड पे जाएंगे, बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करेंगे और जिस भी टाइप का बैकग्राउंड आप इसे देना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर स्लाइड जो है, यानी कि पर्टिकुलर लेआउट जो है वो उस लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर लेआउट को भी सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब हम यहां से क्लोज करेंगे, फिर से हम न्यू स्लाइड पर जाएंगे। आप देखेंगे कि यहां पर हमने दो तरह के स्लाइड मास्टर इंक्लूड किए थे, स्लाइड 1 और उसके लेआउट जो है वो ये हैं, और स्लाइड 2 यानी कि स्लाइड मास्टर 2 उसके लेआउट ये हैं। तो आप यहां से कोई भी स्लाइड लेआउट सेलेक्ट करके क्विकली अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।